प्रधानमंत्री आवास योजना में जो जरूरतमंद है उन्हें सबसे पहले योजना का लाभ दिया जाए, और अगर यदि पक्के आवास वाले अपात्र व्यक्ति या किसी भी प्रकार की हेराफेरी की तो खैर नहीं। ये बात अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने शनिवार को शाडोरा में चौरसिया गार्डन में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही संवाद कार्यक्रम के दौरान कही। विधायक जज्जी ने नगर परिषद के सीएमओ को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी हुई तो किसी अपात्र व्यक्ति को आवास स्वीकृत हुआ तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा, और जिसने सक्षम व्यक्ति को आवास स्वीकृत किया तो उस पर और स्वीकृत करने वाले और कराने वाले पर FIR होगी। जब जो लोग मुक्ति मना बैठे हैं तो खुद हाथ जोड़ लें, भैया हमें मत दो इस बार। जब आपको खुद समझ में आना चाहिए कि आपको मिलेगी, यार एक साल बाद ले लो, मुझे मिलेगी, दो साल बाद ले लूंगा, तो एक ढकन ना भी ठंड पक रही है, मेरे बच्चे कौन से परेशान है पानी में भीग रहे हैं, सारा नाम ऐसे मकान बैठे, मुझे पता है बरसात में ढंग से रह नहीं पा रहे, कच्चे मकान गिरने की स्थिति में उसमें रह रहे परिवार अपने बच्चों को लेके, तो हमें मानवता नहीं है। मैं प्रवीण बोलता कि मैं अगर सामने होता मैं देख रहा था जो कुटीर मुख्यमंत्री जी ने करा है वो लगा है क्या बात है, वो देख रहा था मैंने। अभी एक कुटीर जी बता रहे हैं काम जरूर रेपोरेशन करवा गए, मैं सुनना हूं, मैं वे कह रहे प्रधानमंत्री आवाज चलो भाई घर बता रहे, मतलब समझ में आना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, यार मर गई आत्मा सबकी। सीएमओ साहब लिस्ट इस बार जो किस तरह की मैंने रुकवा रखी है लिस्ट, जो लोग परेशान हो रहे हैं तो नहीं डर नहीं, मैंने रुकवाई है, एक पैसे वाले के डर नहीं बैठे, जहां से भोपाल का शासन कर अशोकनगर से EMS TV के लिए अर्पित रघुवंशी की रिपोर्ट।